मैं आपका दोस्त बन सिंह राजपूत अपने कृषि विलय चैनल में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम आपको बताएंगे कि जो सिंचाई के लिए जो ऊपर पाइपलाइन डाली जाती है, यानी 20-20 फुट के जो पाइप डाले जाते हैं ब्लैक वाले, तो जो वो पाइप किसानों के ऊपर डले डले या ऊपर नीचे वो फट जाते हैं। जैसे ये हमारा ये पाइप फट चुका है, ये हमने जोड़ने की कोशिश की थी लेकिन जुड़ नहीं पाया, तो हम आज दूसरी विधि से इसको काट करके आपको इसको जोड़ करके दिखाएंगे। तो किसान भाइयों, ये 20 फुट का हमारा पाइप है और ये एक जगह से टूटा हुआ है, उसको हम जोड़कर दिखाएंगे देसी विधि से। तो ये देखिए, ये आपको ये वाला हिस्सा जो है टूटा वाला, जितना आपका टूटा हो उसको आप कट करके बाहर निकाल दें, यानी पैरेलल कर लें इसको। आइए हम आपको दिखाते हैं, आरी से आप काट सकते हैं इस तरीके से आपको। आपको जो बीच का टुकड़ा है ये इस तरीके से काट लेना है। और ये पाइप जमीन पे पड़े पड़े इस तरीके से हो जाते हैं, ये देखिए, यानी ये पूरे गोल नहीं रह पाते हैं। तो आपको ये चीज़ का विशेष ध्यान रखना है, जब आप ज्वाइंट करेंगे तो यहाँ ये इस तरीके से मिला लें पाइप को और यहाँ एक निशान लगा दें, जिससे कि साइड आप भूलें ना, इस चीज़ का विशेष ध्यान रहे। और ये बिल्कुल पैरेलल दोनों तरफ की होनी चाहिए। और एक बात का ध्यान है, कोई कपड़ा ले ले अंदर से, इसकी मिट्टी थोड़ी सी जो भी है उसको आप साफ कर लें, क्योंकि जोड़ने में मिट्टी दिक्कत देती है। साथियों, इस चीज़ का विशेष ध्यान रखें कि जब आपको पहले से आग जला लेनी है और तसले को गर्म कर लेना है। आप तसले की जगह कोई लोहे की प्लेट भी ले सकते हैं, विधि आपको यही करनी है। और भी चीज़ अगर आपके पास कोई अवेलेबल हो उसको भी ले सकते हैं, लेकिन उसकी जो आप रखेंगे उस पर पाइप को समतल ही होनी चाहिए, क्योंकि पाइप को जब जोड़ेंगे तो अगर थोड़ा सा भी इधर उधर रहा तो पाइप जुड़ेगा नहीं अच्छी तरह से। और पाइप को इतनी देर तक आपको तसले पर रखना है जितनी देर तक उसकी जो किनारे की प्लास्टिक है वो पिघलने ना लगे। जब दोनों पाइपों की किनारे की प्लास्टिक पिघलने लगे, यानी बाहर से छल्ले निकलने लगेंगे, उसको उसी वक्त दोनों को एक साथ उठा लेना है। उठा करके आपको फिर जोड़ने की प्रक्रिया यहाँ से चालू होती है। बस ध्यान ये रहे कि इतनी देर ना लगे कि प्लास्टिक थोड़ी सी मतलब ठंडी हो जाए, प्लास्टिक को ठंडे ना होने दें, और धीरे धीरे से उसको प्रेशर दे करके उसको जोड़ें, यानी उसको चिपकाना है आपको। हमने दीवार के सहारे से अपने बड़े पाइप को रखा है और इधर से हम इसको प्रेशर दे रहे हैं और आगे से छल्ला सा बन जाएगा। तो छल्ला सा जब बन जाए तो आप समझ जाइए कि पाइप सही जगह से फिट है। अगर थोड़ा बहुत इधर उधर है तो पाइप को दबा करके भी आप इस तरीके से, जैसे हमने दबाया है, इस तरीके से भी आप उसको उसके साइज में ला सकते हैं। बस आपको थोड़ा सा इंतज़ार करना है और जो छल्ला बना हुआ उसको दबाना है। कोई कपड़ा ले लें और इस तरीके से आपको धीरे धीरे दबा देना है। ध्यान रहे कि डायरेक्ट आपको उंगलियों से नहीं दबाना है, उन्हें आपकी उंगली जल सकती हैं। कपड़े से दबाने के बाद जब वो ठंडा हो जाए हल्का सा, तो आप उंगलियों का प्रयोग कर सकते हैं, यानी आपको एक लच्छा सा बना देना है, छल्ला सा बना देना है। अब ये पाइप आपका जुड़ चुका है, पाइप को थोड़ी देर अब ठंडा होने दें, जल्दबाजी न करें बिल्कुल, पाइप को ठंडा होने दें क्योंकि प्लास्टिक टाइट हो जाए। हमारा ये किसान भाइयों, अभी आपने देखा कि हमारा ये अब ये पाइप जुड़ चुका है। इसी तरीके से आप पाइप को जोड़ सकते हैं। बस आपको ध्यान ये रखना है कि इसको ज़्यादा इधर उधर ले जाना नहीं है। अगर ये आपके खेत में पड़ा रहेगा तो बहुत अच्छा काम करेगा, अगर आप इसको ज़्यादा मतलब इधर उधर ले जाएंगे तो हो सकता है ये जॉइंट खुल जाए, लेकिन ये प्रेशर से जॉइंट, पानी के प्रेशर से ये जॉइंट नहीं खुलेगा। ये देखिए, ये बिल्कुल मजबूत जॉइंट है। किसान भाइयों, ये हमने 20 फुट का पाइप जोड़ा है, आपने देखा ये हमारा जॉइंट जुड़ चुका है। अब हम इसको आपको दिखाते हैं कि ये कितना मजबूत जुड़ा है। पाइप लंबा होने के कारण ये बीच में से थोड़ा सा पिचक जाता है, तो हो सकता है उस जगह से आपको एक दो बार में दिक्कत आए, लेकिन ये देखिए हमने ये पाइप जोड़ दिया है। अब हम इसको आपको टेस्ट करेंगे, ये देखिए हमने पटका लेकिन इसका कुछ नहीं बिगड़ा। तो आप इसी तरीके से अपने जो पाइप फट चुके हैं उनको आसानी से अपने घर पर ही जोड़ सकते हैं। ये देखिए, ये बिल्कुल आपका अभी मजबूत जोड़ है, टूटेगा नहीं। किसान भाई से अनुरोध है, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे कृषि विलय चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन के घंटे को जरूर दबाएं।